नहीं मिलेगा, आउट ऑफ टाउन गए। कहाँ? उसके चाचा जी की पहली शादी है ना, वहां गया है। खैर, 4-5 दिन में तो आ ही जाएगा। नहीं आएगा, वो चाचा जी की पहली शादी है ना, तो उनको कुछ पता वता नहीं है, तो उसको अपने साथ हनीमून में हेल्प के लिए ले गए। टाइम लगेगा। चाची मान गए? हाँ, चाची बहुत खुले विचारों की है ना। खैर, फिर भी 10-12 दिन में तो वापस आ ही जाएगा। नहीं आएगा, वो चाचा चाची ने तय किया है कि पहला बच्चा हनीमून वाली जगह पे ही पैदा करेंगे, तो साजन वहीं रुकेगा बच्चा संभालने के लिए। चाची दिखती कैसी है? मिस्टर साजन? यस मैडम। आप अभी लिफ्ट एरिया से आए ना? जी मैडम, वहीं जा रहा हूँ। आई थिंक आई सॉ कल्लू देयर मिस्टर साजन, मुझे लगा ग्राउंड फ्लोर पे वो ऐसे ही घूम रहे हैं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, मैंने पीछे से देखा तो आई एम नॉट श्योर। कल्लू यहाँ मैडम? हंसने की क्या बात है इसमें? नहीं, एक्चुअली मैंने जिस हिसाब से कल्लू की कुटाई की है ना, वो यहाँ आने के बारे में सोच भी नहीं सकता, बल्कि मुझे लग रहा है मैडम वो ना अपने गांव चला गया होगा। मिस्टर साजन, वो गांव क्यों चला जाएगा? वो शायद शहर का हो, वो शहर चला गया होगा। ठीक हो सकता है, लेकिन उसको मैंने देखा था तो मुझे लगा कि वो गांव का है। ओके, बट यू श्योर कि आपने अभी कल्लू को नहीं देखा? नो नो मैडम। मिसेस साजन, आप मेरे साथ चलेंगे, जस्ट क्रॉस चेक करना है, अगर कल्लू निकला तो मैं ना उसे एक 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 मारना चाहती हूँ मैं उसे, बस आप मेरे साइड में रहना, हिम्मत आएगी मेरे अंदर। नो मैडम, मैं वहीं से बच के आ रहा हूँ। क्या? मैं वहीं से निकल के आ रहा हूँ मैडम, पूरा एरिया ऐसे देख लिया था, कोई है भी नहीं, कोई नहीं, पूरा खाली हो गया ऑफिस, सब घर गए। आपको गलतफहमी हो रही है मैडम। फाइन फाइन मिसेस साजन, एंड सॉरी, आज भी मैंने 2 बार, आई एम सॉरी अबाउट दैट। इट्स ओके मैडम, मुझे वो उसका बुरा नहीं लगा, मुझे बुरा इस चीज़ का लगता है मैडम कि जब आप मुझे एक छेड़ू की नज़र से देखती हैं, वो चुभता है मुझे। अबे चीयर्स को गाल क्यों दे रहा है बे? चीयर्स का मतलब पता है? पता है मतलब? कब करते हैं चीयर्स? क्यों करते हैं चीयर्स? पता है? जब कोई इंसान खुश होता है ना, जाहिल गवार आदमी, तब करते हैं चीयर्स। अबे तो पी रहे हैं, ये खुशी की बात है ना? जिस लड़की से तू बेइंतहा मोहब्बत करता हो, वो तुझे बिना बात के थप्पड़ मार दे तो तुझे खुशी होगी? नहीं तो बस समझ जा, मुझे ना बिना बात के ऑफिस में मैडम ने थप्पड़ मार दिया है। अरे तो चीयर्स बोल देता है यार। तू लेमन चूस ले। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैडम ने मुझे थप्पड़ मार दिया तो वो तुझे सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ तुझे चीयर्स की पड़ी हुई है यहाँ पे। अरे भाई सुन लिया, लेकिन चीयर्स के बाद भी तो गम्मा ना सकते ना भाई, गला सूख रहा है यार, तू खींचना यार। मैं जा रहा हूँ, इस आदमी के साथ मैं कभी नहीं पीऊंगा मैं आज के बाद। अरे यार संजू भाई रुक जा यार, रुक जा। हे खिलौनी, चल सॉरी बोल, सॉरी बोल संजू को, बोल सॉरी। चल भाई तू भी बोल, इट्स ओके बोल। इट्स ओके। रिलैक्स यार, सीधा बैठ, अब बता क्या हो रहा है। मैडम ने बिना किसी बात के मुझे थप्पड़ मारा है, उनको मेरे अंदर एक छेड़ू दिख रहा है, पता नहीं क्यों।
मुझे देख रही है, बोल रही है कि मुझे शेडू दिखा इसलिए मैं थप्पड़ मार दिया। बताओ, ट्रॉमा होगा। क्या होगा? ट्रॉमा होता है, छेड़ने के बाद लड़कियां कई दिनों तक, कई बार तो कई सालों तक भुला नहीं पाती उस ट्रॉमा को। तुझे बहुत एक्सपीरियंस है, तू बहुत ट्रॉमा दे के आ रहा है लोगों को। अबे बकवास मत कर, काम की बात कर रहा हूँ। अभी मैडम को सपोर्ट की जरूरत है, सी नीड अ सपोर्ट। तो हम तो दे रहे हैं ना यार सपोर्ट, हम तो पूरा सपोर्ट देना चाह रहे हैं ना, तो खड़े हुए हैं कि भाई लो सपोर्ट हमारा लो। लेकिन अगर ऐसे कोई थप्पड़ मार दे बिना बात के, तो फिर किस बात का सपोर्ट? अरे यार तू चिंता मत कर यार, तू कल ऑफिस जा, काम पे ध्यान दे, तुझे कुछ नहीं होगा भाई। मेरा दिल कह रहा है तू सेफ रहेगा, खींच। और अगर मैडम ने मारा फिर भी तो? तू भाग लियो, वैसे भी तू भागने में अव्वल है। जब हम लोग स्कूल में पिटते थे सबसे पहले तू ही तो भागता था। चेस चेस तो डाल तू ले बे। बेबी मेरा तकिया कहाँ है? वहीं रखा है जहाँ सोना है, झूले पे। झूले पे? बेबी आंगन में बहुत मच्छर होते हैं। कल्लू से तो लड़ नहीं पाए, कम से कम मच्छरों से तो लड़ो। तुमको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है बेबी? हम लोग शरीफ लोग हैं, हमारा काम नहीं होता है गुंडे बदमाशों के मुंह लगना। ऐसे डरपोक रहे ना तो किसी दिन तुम्हारे बीवी को घर से उठा के ले जाएंगे, फिर देखते रहना। ऐसे कैसे उठा के ले जाएंगे? कोई यहाँ पे आके तुमको छेड़ के दिखाए मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। टांगे तोड़ दूंगा? जो अपनी गली में शेर बनते हैं उनको क्या बोलते पता है? ये मैं समझ गया हूँ, ये तुमने बहुत घुमा के ना मेरी बेइज्जती कर दी है। ये इंसल्ट थी बेबी, ये ज्यादा थी, बहुत भयंकर वाली। भयंकर वाली थी ना, मैं यही दिखाना चाहती थी कि जैसे उसने मेरी इंसल्ट की ना उसके जाके करो। तुम क्या चीज हो यार, तुम एक बार को भी सोच नहीं रही हो कि तुम सोचो यार वो कल्लू जैसा ऐसा गुंडा मूंछो वाला वो ऐसे सुबह सुबह जा रहा है पानी भरने और मैं उसको जाके सीटी बजाऊं, छेड़ दूं, आंख मारूं और शेर शेर पर पर के उसको मैं छेड़ूं, कैसा लगूंगा यार मैं? छेड़ना नहीं है उसको, छेड़ना नहीं है। बीच चौराहे पे जा, दो एक थप्पड़ खींच के, मैं तो बोलती हूं। ओह, बीच चौराहे पे थप्पड़ दे दो कल्लू को, पता है फिर उसके बाद क्या होगा? हाँ क्या होगा? पुलिस केस, जेल हो जाएगी मुझे कम से कम 6 महीने की, नौकरी भी चली जाएगी, सड़क पे आ जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा पूरा। बर्बादी करना है तो फिर वैसे ही बोल दो ना मुझे, फिर ऐसे घुमा के बर्बाद क्यों कर रही हो, सीधा कर दो। क्या है? ठीक है फिर, कोई बात नहीं, मेरे पास क्या तकियों की कमी है, मैं किसी भी चीज का तकिया बना सकता हूँ। दादी ऐसे अचानक से कहीं से भी मत आ जाया करो, किसी दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरी बाईपास सर्जरी करानी पड़ जाएगी। बाईपास की स्पेलिंग बोल। बी आए पोजीशन ले रखी तूने आज। हास्ता ला विस्ता बेबी। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग मिस्टर साजन, आज आप बाइक भारी भूला है। बाइक कौन सी बाइक मैडम? जिसके ऊपर बैठकर आप ये हेलमेट सर पे लगाते हैं। मेरे पास तो कोई बाइक ही नहीं है मैडम। तो आकाशवाणी हुई थी कि आज ऑफिस में आपके सर पे छत गिरने वाली है ऑफिस की? नहीं, एक्चुअली मैं सच बता देता हूँ आपको मैडम, वो ये हेलमेट मैंने इसीलिए पहना है कि आप जब जब मुझे देख रही है तो आपको मेरे अंदर कल्लू दिखाई दे रहा है ना, फिर आप मुझे रख कर रैप्टा मार रही है मैडम, तो मैं इस चक्कर में मैडम उससे बचने के लिए ये हेलमेट पहन के आया हूँ, ताकि आपको मैं मुंह दिखाने के लायक तो अब रहा नहीं हूँ ना। God, Mrs. Sajan, I don't believe this, कि मैं आपको इतनी खतरनाक लगती हूँ। खतरनाक के अलावा आप सब कुछ What? मतलब आप खतरनाक नहीं है मैडम, खतरनाक नहीं है आप। मिस्टर साजन, आई नो मैंने गलत किया है, आई एम सॉरी। ओके, इट्स ओके मैडम। इट्स नॉट ओके मिस्टर साजन, ज्यादती की है मैंने आपके साथ। आप ओके, आप ये डर
अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वो हेलमेट हटा दीजिए, इट्स ओके। मैडम ज्यादती तो हेलमेट उतारने के बाद हो सकती है। उतार दीजिए मिस्टर साजन, आई विल बी फाइन, आई इंसिस्ट। आर यू श्योर मैडम? मतलब कि आपको ये हेलमेट उतार देने के बाद में भी मैं एज साजन अग्रवाल ही नजर आऊंगा आपको, मुझ में फिर कल्लू नहीं दिखे जाएगा ना मैडम? ना। पक्का ना मैडम? या ओके, इट्स ओके। आप देखिए मैडम, खून में उबाल आया है, बॉइल हो रहा है ब्लड आपका। Look at me, I'm smiling, I'm giggling, Mr. Sergeant. Oh, what? I like the helmet. Thank God. तुम्हारी फिर से हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है हर वक्त मैं छिड़ जाऊंगी तुमसे? फिर से अगर मुझे छेड़ने की कोशिश की ना, I swear, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। Nonsense. गुड मॉर्निंग सर। चीनी बर्फ है सर। देखिए सर, बुरा ना मानना आप सर, आप ऑफिस में आए सर, आप कोई काला खट्टा की रेडी पे नहीं आए कि आप बर्फ मांग रहे हैं। तूने जरा बकवास कम किया कर, वरना किसी दिन तेरा गर्दन ना ऐसे घुटनों के बीच में दबा के ना लेमन चुसवा दूंगा। मिस्टर साजन, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं छेदी को कह रहा था कि आपको जाके कह दे कि ना कभी अगर आपको पैग वैग लगाना हो तो मैंने नया फ्रिज लिया है, उसमें फटाफट बर्फ जम जाती है, मैं दूंगा। मिस्टर साजन फिलहाल तो मुझे आपसे एक जरूरी काम है। ये चेकबुक है, आप इसमें जितना चाहें उतना पैसा भर सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि मेरी बेटी को आपके अंदर एक गुंडा नजर आता है, जब भी वो आपको देखती है वो स्ट्रेस में आ जाती है। मैं चाहता हूं कि आप ये नौकरी छोड़कर चले जाएं और उसके बदले में जितनी रकम चाहे उसमें भर लीजिए। सर आप मुझे खरीदना चाहते हैं? मिस्टर साजन अगर मुझे आपको खरीदना ही होता तो मैं अपनी कोई एक गुल्लक तोड़ के उसमें से रेजगारी निकाल के आपको खरीद लेता। आपकी इतनी कीमत है बस, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूं ये पैसे। सर लेकिन रकम भरिए। ओनली जीरोस? यस सर। ऐसी कोई रकम नहीं बनी जो मुझे मैडम कंपनी से अलग कर सके सर। मिस्टर साजन कंपनी से तो अलग आपको होना पड़ेगा, फैसला आपके हाथ में, आप चाहे तो अपनी पीछे की जेब को भर के निकले या पीछे लात खा के निकले। तो फिर आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। यस यस सर, मैं अपने आखिरी सांस तक इस कंपनी में। यू लफंगा, रेस्ट इन पीस। मैडम देखिए होश में आइए, मैडम मैं कल्लू नहीं हूं, मैं साजन हूं, आपका साजन। मेरा साजन? लुक एट दैट पापा, यू डिजर्व टू डाई। हो गया? या मैंने उस ईव टीजर को गोली मार दी। बेटा संजना, आप कैसा लग रहा है तुमको गोली मार के? यू नो पापा, पहले मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर एक ज्वालामुखी फट सा रहा है। ओ। और अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्रिज का दरवाजा किसी ने खुला छोड़ दिया है और ऐसी ठंडी ठंडी हवा मेरे ऊपर आ रही है। ग्रेट, इट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया डॉक्टर। मिस्टर साजन को नकली गोलियां मारकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना बदला ले लिया, मैंने उस असली गुंडे को गोलियां मार दी। फील सो मच बेटर।
अच्छा वैसे मिस्टर साजन आए क्यों नहीं अभी तक? मिस्टर साजन तो ऐसा लग रहा था ऐसे गिरे वो कि मतलब नकली गोली से उनके शरीर में छेद हो गए हो और उस छेद से उनकी आत्मा निकल के स्वर्ग की तरफ चली गई। पुअर गाय बुलाइए ना पापा उन्हें। या वो सी डॉक्टर वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप विद दिस आइडिया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग सो लाइट, परफेक्ट, आई फील फाइन। इसके बदले में आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। जी कुछ भी? मैं आई कमिंग मैडम। यस यस मिसेस साजन कम इनसाइड। मैडम आपने मेरे गोली मार दी डायरेक्ट। I can explain Mr. Sajan, I have a perfect explanation. वो गोली भी नकली थी और पिस्टल भी नकली है। What? जाहिर है, वरना अब तक आप ऊपर पहुंच गए होते। पापा, चलती ट्रेन में मत चलिए। It's my apology. Let me do the talking. I'm sorry. So, Mrs. Sajan, जैसे कि आप जानते हैं कि उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के वजह से मैं आपके चेहरे में उस गुंडे के चेहरे को देख रही थी और फिर सब गड़बड़ हो रही थी, तो डॉक्टर केम विद अ ब्रिलियंट आइडिया कि अगर मैं आपको नकली गोलियों से शूट करूं तो मुझे ऐसा फीलिंग आएगा कि मैंने असली गुंडे को असली गोलियां मारी है एंड यू नो मे बी मैं ठीक हो जाऊं, और मैं ठीक हो गई। थैंक यू डॉक्टर। आई एम फीलिंग ग्रेट। आई होप मिस्टर साजन, आई एम सॉरी, आई होप आपको कुछ चोट वोट तो नहीं लगी ना? नहीं मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम, और मुझे तो इस बात की उल्टा खुशी है कि जो कुछ भी हुआ अगर इससे आप ठीक हो गए मैडम तो इससे बढ़ के बात कोई हो ही नहीं सकती। ग्रेट ग्रेट, क्या बात। यू शेमलेस नॉनसेंस मैन, अभी के अभी मैंने ही डिजर्व्स असली गोलियां, इसने फिर से मुझे छेड़ा। मैं तुम्हें शूट कर दूंगी, आई विल किल यू, आई विल शूट यू राइट नाउ। बैठा 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 दो मिस्टर साजन, मजाक कर रही थी। मजाक। ऑल थैंक्स टू यू। पच्ची हाथ से निकल गई है। Why are you laughing? क्या हो गया भाई? हैं? ये क्या हो गया? काम उमर क्या है? अरे झूले, निकल जा अपनी रस्सी से और उछल के मुंह तोड़ दे मेरे दामाद का, और कह दे इससे कि ये कहीं मुंह मार के नहीं आया है, कोई आके इसे मुंह पे मार के गया है। छेड़ा हुआ किसी की बहन बेटी को इसने फिर? संजू फालतू बातें मत करो, समझ गए ना? आंख देख रहे हो उसकी? कल्लू ने मारा है उसे, तुम तो मिले नहीं, हाँ? तो उसे मार के चला गया वो धोखे में। तूने कितनी बार कहा है टाइम से घर आ जाकर, कभी भी सही टाइम पे घर ना होता तू। अरे आंगन के गेट खुलना मत, और कह दे मेरे दामाद से कि अब कहीं ना जाए। क्यों? क्योंकि 9 बजे वो फिर आएगा और थारे चक्कर में मने प्रसाद दे जाएगा वो फिर से। आप मैं क्या करूँ अब? तो कुएं में कूद जा, वहां तो ना आएगा तेरे तेरे पीछे। भोपू तभी इससे बात कर। अरे रात के खाने की खुशबू, कह दे रे मेरे दामाद से वो कल्लू है ना, वो राक्षस है, उससे लड़ना हम सबके बस की बात नहीं, इंसानों से नहीं निपटेगा वो। इंसानों के बस की बात नहीं है तो फिर राक्षस